हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है चिली चिकन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चिली चिकन के लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया हुआ है, कुछ शिमला मिर्च लिए हैं, यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली, यहाँ प्याज काट के लिए हुए, एक अंडा लिया है, लहसुन लिया है, नींबू लिया है, अदरक है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये नमक है और ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैदा है और ये क्रॉर्न फ्लोर। चिकन में सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, एक अंडा ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। देखिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया है, थोड़ी सी मैदा और थोड़ी सी कॉर्न फ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये कलर के लिए मैंने यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, इसको 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और साथ में मैंने लिया है टमाटर सॉस, सोया सॉस और ये ग्रीन चिली सॉस, इसकी जगह पर आप रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। देखिए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा तेल में फ्राई करूँगी, इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, मैं पहले डालना भूल गई थी तो आप पहले ऐड कर लीजिएगा, नींबू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है चिली चिकन के लिए, अब इसको गर्म तेल में फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई के तेल गरम कर ली थी और इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ताकि ये छिटके नहीं, और इसको मीडियम आंच पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए मैंने सारे चिकन तेल में डाल दिए हैं, इसको मध्यम आंच पे ही पकाना है। देखिए हमारा चिकन पकोड़ा हो गया, इसको उलट देते हैं ताकि उधर भी अच्छे से पक जाए, अच्छे से उलट देते हैं। देखिए मैंने अच्छे से उलट दिया है, मैंने सारे चिकन को उलट दिए हैं और इसे 5 मिनट पकाना है, अब फिर निकाल लेंगे। देखिए हमारा चिकन पकोड़ा हो गया, इसे मैं किसी प्लेट पे निकाल देती हूँ, सभी पकोड़ों को मैं निकाल दूँगी। अच्छे से पक चुका है, देखिए देखिए मैंने सारे चिकन को निकाल लिए हैं बाहर, इसी कढ़ाई में बैठा ली है। इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, इन सबको डाल के 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च 2 मिनट के लिए भूनना है इसको। 2 मिनट हो चुका है, इस पर मैं ये शिमला मिर्च डालूंगी और इसको 2 मिनट तक भूनूंगी, हाफ कुक करूंगी। देखिए हमारी शिमला मिर्च आधा कुक हो गई है, इस पर सोया सॉस एक 1 टीस्पून डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया है, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून टमाटर सॉस डाल के अच्छे से ऐड कर लेना है और 2 सेकंड ही कुक करना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, हमने पहले चिकन पकोड़ा में नमक ऐड किया हुआ है तो कम ही ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमारी शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गई है, इस पर अब हम पकोड़ा ऐड कर देंगे और चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। चिकन चिली का थोड़ा पेस्ट रह गया, इसको मैंने फेंका नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें डाल दूँगी। ये कॉर्न फ्लोर और मैदा का घोल जैसे हो गया है,
इसको मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए डाल के मिक्स करके 2 सेकंड तक अच्छे से कुक करूँगी। देखिए हमारा चिकन चिली तैयार हो गया है। इस पर लास्ट में धनिया ऐड करूँगी और गर्मा गर्म सर्व करूँगी। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने चारों तरफ से ऐड कर लिया है इसको। देखिए हमारा चिकन चिली बनकर तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।